नमस्कार, मध्य प्रदेश के महासंग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक प्रदेश में 60.52% वोटिंग हो चुकी है, जो अभी भी लगातार जारी है। इस चुनाव में 2533 प्रत्याशी चुनावी समर में है, जिनकी किस्मत का फैसला 5,60,00,000 मतदाता कर रहे हैं। वोटिंग शाम को 6 बजे तक होगी, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। वहीं प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे ही मतदान खत्म हो चुका है। इनमें बालाघाट की 3 विधानसभा सीट बेहर, लांझी और परसवाड़ा है। वहीं डिंडोरी मंडला के नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर भी दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग हुई है। मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखा जा रहा है। इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि बीजेपी लगातार 5वीं दफा सत्ता हासिल करती है या फिर कांग्रेस की वापसी होगी, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी परंपरागत सीट बुधनी से चुनावी मैदान में है, तो वहीं कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से दूसरी दफा चुनावी मैदान में है। इस चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 7 सांसदों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। वहीं इंदौर 1 सीट पर सबकी नजर बनी हुई है। यहां से कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के महासचिव है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में 31 मंत्री भी चुनावी मैदान में है। लेकिन देखना होगा कि इस बार प्रदेश में फिर कमल खिलेगा या कमलनाथ की ताजपोशी होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश में लगातार विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है। 7 बजे, सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई और अभी भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि 60% से ज़्यादा मतदान फिलहाल हो चुका है और एक के बाद एक दिग्गज भी चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी वोट डाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार कमल खिलेगा या कमलनाथ की ताजपोशी होगी, ये बड़ा सवाल है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है और आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की साख में चुनावी जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है और कई दिग्गज मैदान में हैं। बता दें कि बीजेपी ने 33 मंत्री समेत 7 सांसदों को भी चुनाव में उतारा है और इसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्री भी इस चुनावी समर में हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो जो 3 मंत्री हैं जो इस बार चुनावी मैदान में है, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। की जा रही है वोटिंग, अभी भी जारी है। शाम को 6 बजे तक विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी और कुछ विधानसभा सीटों पर फिलहाल मतदान खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज इस चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला फिलहाल वोटर कर रहे हैं, मतदाता कर रहे हैं। और 3 दिसंबर को जब इन्हीं मतदानों की मतपेटियों की जब खुलेगी चाबी, तो पता चलेगा कि कौन इस बार मध्य प्रदेश पर राज करने वाला है, किसकी ताजपोशी होने वाली है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी परंपरागत सीट बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं और कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से दूसरी दफा चुनावी मैदान में हैं। और इस चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 7 सांसदों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। और बता दें कि इंदौर 1 सीट पर भी सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि यहां से कैलाश विजयवर्गीय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कड़ा मुकाबला कांग्रेस के संजय शुक्ला से है, जो कि कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं। और यहां से बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में 31 मंत्री भी मैदान में है। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार प्रदेश में क्या फिर से कमल खिलेगा या कमलनाथ की ताजपोशी होगी, बार बार ये सवाल उठ रहा है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार विधानसभा चुनाव की वोटिंग की जा रही है और बता दें कि सबसे अधिक 70.27% जो वोट है वो शाजापुर में डाले गए हैं और सबसे कम भोपाल जिले में वोटिंग हुई है। हालांकि भोपाल राजधानी में ही कम वोटिंग होना किस ओर संकेत करता है, किस ओर इशारा करता है, ये बड़ी चिंता का विषय है। देखना होगा कि इस बार यहाँ के जो मतदाता है किस ओर इशारा कर रहे हैं। और इसी बीच हम आपको बता दें कि कई जगहों से विवाद की खबरें भी आई है और बता दें कि कई जगहों से चुनावी बहिष्कार की भी खबर सामने आई, लेकिन जिला प्रशासन की सतर्कता से और प्रशासन की सतर्कता से मतदाताओं को भी समझाइश दी गई, अपील की गई।
और लगातार हम उमेश तिवारी जी से संपर्क करें। उमेश तिवारी जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, हमसे बात करेंगे, उनसे हमारा संपर्क हो चुका है। उमेश तिवारी जी, मैं एमके न्यूज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस बार की जो चुनाव है 2018 के विधानसभा चुनाव से थोड़े भिन्न नजर आ रहे हैं। इस बार लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस फिर से वापसी करेगी, क्या मत है आपका? जी जी, 230 विधानसभा मध्य प्रदेश का जो हमारा वोटिंग हो रहा है, इसमें 6 बजे तक वोटिंग टाइम है। लगभग लगभग मुझे ऐसा अनुमान है, ऐसा लग रहा है कि 2008 में 69% था, 2013 में लगभग लगभग 72% था और 2018 में 73% आया था। तो अभी भी वोटिंग अच्छी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बना रहे हैं और बहुत अच्छा मार्जिन से हमारी सरकार मध्यप्रदेश में बन रही है। लेकिन सर, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल का जो जिला है, भोपाल जिले से ही कम वोटिंग हुई है। लगभग यहां से जो खबरें सामने आ रही है, यहां पर सिर्फ 45% ही मतदान हुआ है। तो यहां की जनता के मन में क्या है, क्या कुछ सोच रही जनता ने इस बार यहां पर बढ़ चढ़कर चुनाव में और मतदान में हिस्सा नहीं लिया है? क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या कुछ रहेगा यहाँ पर, क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा बीजेपी को? बढ़ चढ़ के मतदान में भाग ले रही है ऐसा नहीं है, अभी आने दीजिए, अभी 6 बजे के बाद पूर्ण जब आ जाती है तो लगभग लगभग मैं आपसे बताया ना कि ये तो ट्रेंड है मध्य प्रदेश का। आपने 2008 में भी देखा होगा तो 69% लगभग 70% था और 2013 में भी लगभग 72-72% आया था और 2018 में भी 73 था। तो अभी जो है, जो शाम को आपको 7 बजे के लगभग जो आएगा आंकड़ा, उसमें आप देखेंगे कि अच्छी अच्छी जो है वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल, और जनता बाहर निकला है और जो जनता अभी तक नहीं निकला उनसे मैं आपके माध्यम से मनीष जी अपील करना चाहता हूँ कि जो भी अभी अपने घरों में है या वोट डालने से वंचित है। जी बिल्कुल, तो हम भी सुबह से ही लगातार मतदाताओं से अपील कर रहे हैं, मतदान करें। जी बिल्कुल, हम भी सुबह से ही अपील कर रहे हैं मतदाताओं से कि अगर आपने अभी तक वोटिंग नहीं की है तो आप जरूर वोटिंग करें। लेकिन इसी बीच कांग्रेस से बात करने के लिए हमारे साथ में आनंद तारण जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। तकनीकी समस्या के चलते आपसे संपर्क नहीं हो सका था, लेकिन दोबारा हमने आपसे संपर्क कर ही लिया है, दोबारा आपको स्वागत करूंगा। लेकिन जानना आपसे यही चाहूंगा कि जब कमलनाथ जी ने सौंसर से विधानसभा से जो है उनकी वहां से उन्होंने वोट किया और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि सर इस बार जनता के मन में क्या है, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि इस बार मध्य प्रदेश में पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज जो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश की जनता बनाम भाजपा चुनाव हो रहे हैं। जी, आज मध्य प्रदेश की जनता उतार ली है जो भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश कांग्रेस को दिया था, जनता ने उसकी पीठ पर थोड़ा भर कर वो खरीद कर सरकार बनाई है। तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी को करारी मात मिलने वाली है इस बार, क्योंकि पद बदलाव का है और हर तरीके से हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में फैल हुई है, क्योंकि ये सरकार व्यापारी सरकार है, क्योंकि हमेशा से जो फायदा आम जनता को मिलना चाहिए था कहीं कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश को 4 लाख करोड़ रुपए खर्चे से लाभ दिया है, कितना घाटा हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ, 50% की भ्रष्टाचार की सरकार है। आपने देखा होगा जिस तरह से एक डैम बह गया, जिस तरह से सड़कें टूट रही है और तो और जो धर्म के नाम की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन में महालोक में किस तरह से घाला किया, वहां तो 80% का घाला हुआ है। मानो जो डेमो के लिए मूर्तियां लाई थी उनको स्थापित कर दिया, ये घबाजे जो गए में सब मूर्तियां उड़ गई, ये ऋषि मुनियों का अपमान, निश्चित रूप से इन सब चीजें। इनका ये राम मंदिर की बात करते हैं जी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम सबके हैं जी, तो निश्चित रूप से ये बात करते हैं। ये महात्मा के लोगों ने व्यापार किया जी, कांग्रेस बिल्कुल। आप बड़ा आनंद जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मैं उमेश जी से उनका पक्ष जानना। उमेश जी, आनंद जी ने बड़ा आरोप लगाया है, क्या कहेंगे आप? जी, राम मंदिर की जमीन में 2 लाख रुपए में जमीन खरीदी और 18 लाख रुपए में बेच दी, किसने बेची? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बेची, किसको बेची? संस्था को। ये जो पार्टी कांग्रेस पार्टी राम जी के जन्म पर ही जो है ऑब्जेक्शन उठा रही थी कोर्ट में, खड़ी थी राम मंदिर के, वो बोल रही है आज ये भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया देश के कार्य में परिवर्तन है कि कांग्रेस ने भी जो है राम को मान रही है।
और कोर्ट के ऊपर जो है उधार रही है। अरे सुन तो लो भैया, मानना पड़ेगा। सर उमेश तिवारी जी, उमेश तिवारी जी, अरुण तारण जी, मैं आप दोनों से मैं पहले अपील कर लूं। सर मैं आप दोनों से अपील करना चाहूंगा, राम मंदिर हमारा सर फिलहाल यहाँ पर मुद्दा नहीं है। सर मैं आप दोनों से अपील करना चाहूंगा कि राम मंदिर फिलहाल हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है। सर मैं आप दोनों से अपील करना चाहूंगा कि राम मंदिर फिलहाल हमारा मुद्दा नहीं है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हमारा मुद्दा है। इसी के तहत हम उमेश तिवारी जी, आनंद तारण जी, माफी चाहूंगा, आप दोनों से माफी चाहूंगा। मैं आप दोनों को फिलहाल मैं रोकना चाहूंगा, आप दोनों से अपील कर रहा हूँ। सर आनंद तारण जी, उमेश तिवारी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो निश्चित रूप से स्थापित होगा। वो जो बातें ये करते हैं, जो बातें करते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जनता त्रस्त है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज आदमी को अपना काम कराने के लिए कमीशन देना पड़ता, ये तो भारतीय जनता पार्टी का, इवन आम आदमी को तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता भी काम करवाते उन्हें भी कमीशन देना पड़ता, क्योंकि जो कमीशन जो अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए उसमें भी किस तरह से रिश्वत ली गई है ये भी सर्वे देते। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे बहनों के मामले में अत्याचार सबसे ज्यादा है, नबी चाह रहे हो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, तारण जी उमेश तिवारी जी का पक्ष भी जाना चाहेंगे, उनसे भी उनका पक्ष ले लेते हैं। आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। तारण जी आज चुनाव का प्रचार नहीं हो रहा है, आज वोटिंग हो रहा है, आप उस जगह की बात करो, आप बात कर रहे हैं, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश में अब जो सरकार आएगी वो कल्याणकारी सरकार आएगी, वो सरकार आएगी जो जनता की सरकार आएगी। ठीक है आनंद जी उमेश तिवारी जी से भी उनका पक्ष ले लेते हैं, उनको भी अपनी बात रखने देते हैं। उमेश तिवारी जी, आनंद जी के पूरे आरोपों पर आप क्या कुछ कहेंगे, क्या है आपका पक्ष? जनता के जो दुख है उनको हरे। उमेश तिवारी जी 15 महीना में दुख नहीं हार पाए थे, सारे तरफ से घोटाले, फिर उपचुनाव हुआ तो फिर से बीजेपी ही आई है, पूरा बहुमत बना है। और तारण जी, भारतीय जनता पार्टी और जो मध्य प्रदेश की हमारी जो है 8.5 करोड़ जनता है, उनको मालूम है कि कौन भारतीय जनता पार्टी जमीन स्तर पर काम करती है कि कांग्रेस करती है, वो सबको पता है। आपके गंगा जल चिल्ले के बचल लेने से कुछ नहीं होता है, ये ध्यान देना। दूसरा, आजकल के नौजवान युवा पढ़े लिखे समझदार है और वो जानते हैं कांग्रेस की ये बात, हमने जो मालूम है मालूम है, पालन करेंगे। तारण जी उमेश जी को बात रखने दीजिए, तारण जी उमेश जी को बात रखने दीजिए, उन्होंने आपको बहुत इत्मीनान से सुना है। तारण जी उमेश तिवारी जी ने आपको बड़े इत्मीनान से सुना है, आप उनको भी बात रखने दीजिए। लूट मचाई और उसके बाद जनता ने उसको 2014 में विदा कर दिया देश से, और वही हाल आप कह रहे हो कि दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ आपने छल प्रपंच करके सरकार बनाया, आज वहाँ की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और कह रही है कि हम लोग बहुत गलती कर दिए, इन लोग के झूठे वचनों में फंस के। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता समझदार हो, फंसने वाली नहीं है आपके वचन में। चलिए ठीक है, उमेश तिवारी जी एक आपसे आगे सवाल जाना चाहूंगा, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम के फेस फिलहाल बीजेपी ने आगे नहीं किए हैं कि इस चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं या इस चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम का फेस कौन होगा? यहाँ पर 3 से 4 नाम निकलकर सामने आए हैं, तो क्या क्या कहेंगे आप सीएम के फेस को लेकर के? देखिए विवेक जी, अभी तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं और उनका फेस ही है, और साथ में हमारे जितने वरिष्ठ नेतृत्व है सबका फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। उसके बाद हमारा जो है केंद्रीय नेतृत्व बैठ के निर्णय की विधायक दल का नेता किसको चुनना है, ये आगे का विषय है, ये 3 तारीख के बाद का विषय है, किनको चुनना है वो हम लोग के लेवल का विषय नहीं है। लेकिन सर कांग्रेस ने तो एक ही चेहरे को हमेशा आगे रखा, कांग्रेस ने तो बिल्कुल घोषणा भी की कि कमलनाथ के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, सभी नेता एक मत हुए, बीजेपी ने किसी एक चेहरे को आगे क्यों नहीं किया? बड़ा सवाल ये है सर। ऑलरेडी मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सभाएं मध्य प्रदेश में किए हैं, बताइए आप घोषणा करेंगे अगले शिवराज सिंह चौहान होंगे
पहली बात तो बनना नहीं है, लेकिन आप अगर घोषणा तो करें कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अरे भाई अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो घोषणा कीजिए हमारे अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भाई अभी आज आप वोट डल ले दो, क्यों परेशान हो, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सुन लो परेशान न हो कारण जी, अरे कारण जी आप अपने घर को संभालो, आपके घर में कितनी बदावत है आपको पता है कि कमलनाथ जी के पुत्र मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, दिग्विजय सिंह के पुत्र मुख्यमंत्री बनना मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, सुनते हो ना, जवाब दीजिए आप इन बात, आपके यहाँ कितने उलझन है आप उसको सुलझाओ, भारतीय जनता पार्टी के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, हमारे कितने किसानों को 10 रुपए 12 रुपए का कोटा आप लोग दिए हो, गरम नहीं आती है आपको, वही किसान आपने क्या किया 20 साल में उसका बताइए, रिपोर्ट कार्ड बताएं आपका, आपने तो केवल कमीशन घोली के अलावा कुछ नहीं किया, आपने तो मतलब घोली के अलावा कुछ नहीं किया सर, मुख्य सवाल से भटक करके सर, हम मुख्य सवाल से भटक चुके हैं, उमेश तिवारी जी हमारा जो सवाल था, हम मुझे लगता है कि हम मुख्य सवाल से भटक चुके हैं, अरुण तारण कारण जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जनता 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मतदान करने अपनी निकली हुई है, और सुनिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बना रही है, 50 दिन के बाद आएंगे जवाब, चलिए ठीक है सर, लेकिन 2000 करोड़ ठीक है, ये तो चरित्र स्थापित किया भारतीय जनता, उमेश तिवारी जी घोटाला करने वालों को 2000 करोड़ की नोट याद है, बोलो बार बार बोलो, इतना बोलो उसे सत्यापित करो, ये तो आपका चरित्र है, आपका चरित्र केवल ये है कि केवल झूठ बोलो, जनता को बेवकूफ बना, ठीक है, राज करो और हिंदू मुस्लिम करो, उसके अलावा कुछ मत करो, केवल खाना 4 लाख करोड़ उमेश तिवारी जी मैं तारण जी से सवाल करना चाहूंगा, मैं आपको फिलहाल रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा उमेश तिवारी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपसे जो मूल सवाल किया गया आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, अपने हृदय पे हाथ रख के बोलो कि आपकी पार्टी गलत की थी कि नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर की थी कि राम सेतु नहीं है, राम जी का जन्म ही अयोध्या में नहीं हुआ, हुआ है तो किस समय में हुआ है, तारण जी मैं आपसे जाना चाहूंगा, उमेश तिवारी जी फिलहाल मैं आपके क्वेश्चन को यहाँ स्टॉप करना चाहूंगा, तिवारी जी उमेश तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी झूठ का खजाना है, झूठ बोलो बार बार बोलो, इतना बोलो, ठीक है उमेश तिवारी जी मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, उमेश तिवारी जी आपसे अनुरोध है, विनती है, आप फिलहाल रुकिए, मुझे तारण जी से सवाल जानना है, तारण जी से सवाल करना है, उमेश तिवारी जी आपसे अनुरोध है, आप फिलहाल रुकिए, मुझे तारण जी से सवाल करना है, मध्य प्रदेश से अब आपको विदा होना है, मध्य प्रदेश से अब आपको विदा होना है, 3 तारीख को धैर्य रखिए 3 तारीख को कारण भी पता चलेगा, पार्टी की 7 सीटें आई है उसमें 10+ कर लो या 10- कर लो, इससे ज्यादा सीटें नहीं आई, वो मैं आज तो नहीं बोला, पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ, कारण जी कम से कम कांग्रेस में 10+ कर लें या 10- कर लें, चलिए ठीक है उमेश तिवारी जी आप रुकिए, अरुण तारण जी आप ये बताइए कि जब आप इतना दंभ भर रहे हैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को फिर इस बात की क्या जरूरत पड़ी कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार अपने उम्मीदवार बदले, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कम से कम 5 से अधिक जगह उम्मीदवार कांग्रेस ने बदले हैं, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी थी या फिर पार्टी की कोई कमजोरी रही है या फिर पार्टी में ही एकमत नहीं बन सका, क्या कुछ कारण रहा? देखिए मैंने आपसे क्या बोला, कांग्रेस हमेशा विकास में विश्वास रखती है जी, और हमेशा कांग्रेस विकास करती है और हम विकास के पथ पर ही आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस जो कहती है वो करती है और करेंगे, हमने अगर कोई वचन दिए तो पूरे वचनों को कांग्रेस निभाएगी जी बिल्कुल, लेकिन बीजेपी फिर आरोप लगाती रही कि जब 15 महीने की जब आपकी सरकार बनी तो आपने किसानों को छलने का काम किया, किसानों को कर्ज माफ नहीं किया, जो जो आपने वादे किए वो पूरे नहीं किए, हेलो जी, कांग्रेस विकास का कार्य नहीं करती है, कांग्रेस जब जब रही है तब तक विनाश का काम करती है,
आप तो अपनी गिरवान में जाकर देखो तो बिलास का काम करते हो। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को बहुत अच्छे से जानती है। मैं आपने जो जो अभी टिकट का जो विषय से भाग क्यों रहे हो भाई, जो विवेक जी पूछ रहे हैं कि आपने सात आठ टिकटें जो है परिवर्तन किया, क्यों किया, इसलिए किया तो बताओ ना कि कमलनाथ के समर्थक तो दिग्विजय सिंह हार गए और दिग्विजय सिंह के समर्थक कमलनाथ हार गए। अरे भाई आप यहाँ तो मुख्यमंत्री का इतना सर फटोबल, अभी से चुनाव आप गए हो मैदान में तभी से जनता जानती है कि इनको बना देंगे चलिए ठीक है, ठीक है। उमेश तिवारी जी से अंतिम सवाल, अंतिम सवाल मैं उमेश तिवारी जी आपसे जानना चाहूंगा, माफ कीजिएगा क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हमको मैं आखिरी सवाल उमेश तिवारी जी आपसे जानना चाहूंगा, आपकी भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आपने तीन तीन केंद्रीय मंत्रियों को और सात सात सांसदों को इस चुनाव में उतारा? क्या यहां पर कोई दूसरा चेहरा नहीं था? भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या नेता नहीं थे? चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी पड़ गई थी जो केंद्र से मंत्री लाए गए और विधानसभा चुनाव लड़वाया गया? हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए हमने कटनी में देखा कि किस प्रकार से वहां पर विरोध हुआ इस बात का, क्या कहेंगे सर आप इस पर? विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई केंद्रीय में मंत्री हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो जी, वो कार्यकर्ता के रूप में सब स्वीकार हम लोग करते हैं आपस में, और वो कार्यकर्ता ही है, वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ा सकती है, और हम लोग जो है जो तो हम लोग का गाइडलाइंस आता है उसी के आधार पर हम लोग चुनाव मैदान में जाते हैं। चलिए ठीक है, एक आखिरी टिप्पणी, चलिए ठीक है, एक आखिरी टिप्पणी आपसे, ऐसा बहुत बार जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। मैं हम लोग इसको सहज ही जो है साथ में कंधे से कंधा मिला के चुनाव में जाते हैं। ठीक है सर, आपसे आपसे आपकी एक आखिरी टिप्पणी जानना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमत आपको मिलने जा रहा है, कितनी सीट को लेकर आप आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश में इतनी सीट मिल सकती है? लगभग लगभग जो मेरा अनुमान है वो 138 से 140 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है, हमारा पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। ठीक है तारण जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगा, आपको अगर आश्वस्त है तो आप कितनी सीटों को लेकर आश्वस्त है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आपको मिल सकती है? तारण जी, अरुण तारण जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तारण जी मैदान छोड़ के भग गए। चलिए ठीक है, फिलहाल हमारा संपर्क तारण जी से नहीं बन पा रहा है। अरुण तारण जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हमारे साथ में बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और उमेश तिवारी जी हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम इस बहस को यहीं रोकना चाहेंगे क्योंकि समय का अभाव है। तो मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि बीजेपी की लगातार पांचवीं दफा सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन देखना होगा क्योंकि 3 दिसंबर को इस चुनाव के नतीजे आने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा की तरह अपनी परंपरागत सीट बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ भी छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से दूसरी दफा चुनावी मैदान में है। इस चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री समेत नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 7 सांसद इस चुनावी समर में हैं, उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। वहीं इंदौर सीट भी लगातार सबकी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि यहां से कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के महासचिव हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में 31 मंत्री और 7 सांसद भी चुनावी मैदान में है, लेकिन देखना होगा कि इस बार प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा या कमलनाथ की ताजपोशी होगी, ये फैसला मतदाता करने वाले हैं। आज वोटिंग लगातार की जा रही है, 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, मतपेटियां खुलेगी, तो इस बात की पूरी तस्वीरें साफ हो जाएगी। फिलहाल MK न्यूज़ चैनल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।